राजस्थान के नागौर स्थित गुड़ा साल्ट स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 21 और 22 मई को वेदी प्रतिष्ठा और विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। अरिका श्री नंदीश्वरमती माताजी के सानिध्य में आयोजित हुए इस दो दिवसीय महोत्सव में भक्तों ने प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। अरिका श्री नंदीश्वरमती माताजी के सानिध्य में 21 और 22 मई को वेदी प्रतिष्ठा और विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। राजस्थान के नागौर स्थित गुड़ा साल्ट स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में हुए इस महोत्सव का शुभारंभ प्रभु के नित्य महापूजन के अंतर्गत अभिषेक और शांति धारा के साथ हुआ। सर्वे गोकुलानंदिनी। प्रभु के नित्य महापूजन के बाद भक्तों ने सहर्ष विधान की मांगलिक गतिविधियों में सहभागिता की, साथ ही महायज्ञ के साथ विश्व शांति की कामना की। ओम अनुपम जाताय नमः, ओम स्वप्रधानाय नमः, ओम अचलाय नमः। इस दौरान आगंतुक अतिथियों और सहयोगियों का स्वागत सम्मान हुआ, जिसके बाद अतिथियों ने गुरु माँ के समक्ष श्री फल अर्पित किए। आशीर्वाद के रूप में गुरु माँ ने भक्तों को दिव्य देशना प्रदान की। रिश्ता होता है, कैसा रिश्ता होता है, जैसे फूल के साथ सुगंध का, तिल के साथ तेल का, और अग्नि के साथ उष्णता का, और पानी के साथ जल का, शीतलता का जैसा स्वभाव होता है, वैसे भक्ति और भगवान के बीच में ऐसा रिश्ता होता है। जो संसार के अन्य रिश्ते हैं वो स्वार्थ होने पर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, परंतु भक्ति और भगवान के बीच में जो अटूट रिश्ता होता है कभी टूटता नहीं, निस्वार्थ भाव का अपने कल्याणमय रिश्ता होता है। आयोजन और मंदिर के संबंध में क्षेत्रीय भक्तों ने अपने भावों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। प्रतिष्ठा महोत्सव में ये कार्यक्रम हुआ, संपन्न हुआ, और समाज के सभी लोगों का बहुत बहुत सहयोग रहा, और इससे प्रतिमा विराजमान हुई। चाहूंगी ये मंदिर करीबन 200 साल पुराना है, और यहाँ इस मंदिर का अभी जीर्णोद्धार किया गया है। जो यहीं गुड्ढे के रहने वाले लोगों ने, जो अलग अलग स्थानों में रह रहे हैं, पर सबने इस मंदिर का जीर्णोद्धार और वेदी प्रतिष्ठा का पूरा कार्य संभाला, और बहुत ही सानंद संपन्न हुआ आज का पूरा प्रोग्राम। वेदी प्रतिष्ठा माताजी नंदीश्वरमती माताजी के सानिध्य में की गई। महोत्सव के अंतर्गत गुरु माँ के सानिध्य में सौभाग्यशाली भक्तों को वेदियों में प्रभु की प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य मिला। इस दौरान पूरा प्रांगण रमोकार मंत्र और प्रभु के भजनों से गुंजायमान था। जैन फोकस के लिए नागौर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।